एंड फिटनेस ट्रेनर, आज की क्लास में हम सॉन्ग कवर करने वाले हैं तेरे लिए। हिमांशु दुलानी की कोरियोग्राफी को हमने कवर किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर लेके आया हूँ, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे हिमांशु दुलानी का तेरे लिए सॉन्ग पे ट्यूटोरियल। तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिलती रहेगी, बेफिक्र होके सीखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीख लेते हैं, फोन को रखिए सामने और स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। ओके, तो साथ में प्रदीप है, ये भी कवर करेगा और आप भी और हम भी अच्छे से सीखते हैं हिप हॉप अर्बन कोरियोग्राफी को। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग से कवर करेंगे और सीखने का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। स्टार्टिंग के हम 8 या 16 काउंट के स्टेप पहले सीखेंगे, फिर उसको गाने पे करके देखेंगे। गाने पे भी स्लो करेंगे ताकि पहले बॉडी में अच्छे से आ जाए, फिर हम फास्ट कर सके। ओके, तो स्लो सीखेंगे, स्लो गाने के साथ करेंगे, फिर जब अच्छे से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, फिर उसकी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फोन को रखिए सामने और साथ में करिए। तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है, इसी के अकॉर्डिंग स्टेप को समझना है। मेरा राइट आपका राइट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं ये हाथ यूज करूंगा तो आपको भी वहां से यही हाथ चलाना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन से है क्योंकि ये वीडियो मिरर इमेज है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें करना है, ऐसे लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर दोनों को ऐसे क्रॉस करके सीधा करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर बंद कर देंगे। ये हाथ के स्टेप बता रहा हूं, अच्छे से समझो। लेफ्ट को सीधा करो, राइट को सीधा करो, दोनों को क्रॉस करके ऐसे खोल दो। इतना नहीं खोलना है, इतना खोलना है ताकि अगला स्टेप बंद होते हुए दिखे, तो इस लेवल पे खोलना है, ठीक है। गो अगेन, लेफ्ट राइट क्रॉस लॉक, क्लियर। अब लेग मूवमेंट समझेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जॉइन। ओके, फिर से करो 5 6 7 गो, टैप 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 जॉइन। पहले लेफ्ट लेग खोलेंगे आगे की तरफ, मतलब कि डायगोनल, फिर दूसरा राइट लेग खोलेंगे सेम डायगोनल। अब लेफ्ट को अपनी जगह पे टैप करेंगे, राइट को अपनी जगह पे टैप करेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। अब हैंड के साथ करते हैं 5 6 7 गो, 1 2 1 2 3, समझ रहे हो। सिंपल, ये खोला हाथ, ये खोला, क्रॉस क्रॉस जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं एक बार, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बॉडी को टाइट रखो, मसल स्टिफ रखो, 5 6 7 गो, बूम टैक बूम बूम टैक, इस तरीके से। वन मोर लास्ट टाइम, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ उठाएंगे, ऐसे हिट करना है, जैसे हिट करोगे पैर को टैप करना है, ठाक 1 2 1 2 3 4। यहां से क्या करना है, ऐसे खींचना है, खींच के इसको रखना है 1 2 1 2, ओके, लाइक दिस, वेव वेव ठक ठक। राइट हैंड को दो बार ऐसे हिट करना है, yes. फिर से करेंगे स्टार्टिंग से, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, 1 and 2 3 4 5 6, ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट टाइम करते हैं पूरा, फिर गाने के साथ करेंगे, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6, ओके। जो इसमें बॉडी जाती है ना, वो ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, बूम पॉप, ठीक है। अब हम इसको एक बारी गाने के साथ करके देखते हैं स्लो टेम्पो पे, यस। जन्नत के सज लिए छोड़ दी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट स्टेप हमने ये कवर किया, 1 2, अब यहाँ से स्लाइड करना है, हल्का सा स्लाइड लेते ही ऐसे हाथ खुल जाएगा, फिर यहीं से नेक के साथ लेफ्ट साइड एंड यहाँ से अप, ठीक है। फिर से करेंगे 1 and 2, फिर से करो 5 6 7 को, 1 and 2, अब यहीं से ये पीछे जाएगा ऐसे और ये हाथ आगे घूम के, ऐसे घूम के आगे आया। अब यहां से ये लेफ्ट हैंड ऐसे जोड़ देंगे, अब यहां से ये पीछे जाएगा, पीछे जाते ही 1 and 2 3
अब यहां से कवर करेंगे 4, 5, 6 खाली नेक लेनी है 6 and 7, 8 आप नॉर्मल खड़े खड़े भी कर सकते हो, बैठ के भी। हिमांशु दुलानी ने बैठ के किया है और उसके साथ जो दो लोग कर रहे हैं उन्होंने खड़े खड़े किया है। तो जो खड़े खड़े करेंगे वो सिंपल ऐसे करें और जो बैठ के करेंगे ठक इस वाले नी पे बैठना है ऐसे और ये ऊपर वाला पैर है बस इससे ऐसे इधर ले जाके और सीधा खड़ा होना बस ठीक है। लेफ्ट नी पे बैठना है, राइट लेग को सीधा करके ले जाना है और ऐसे सीधे खड़े। यस ओके यहां तक दोबारा करते हैं अच्छे से समझते हैं। लेट्स गो 5, 6, 7 गो लास्ट पोजिशन स्लाइड ठा 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4 यस यस। थोड़ा सा और स्लो एक बार करते हैं अच्छे से समझो। 5 लास्ट पोजीशन ले लो सारे 5, 6, 7 गो स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो 5, 6 जैसे करते हो इसको टैप करके ये उठाना है ओके फिर से 5, 6, 7, 8 अब यहीं से 1, 2, 3, 4 दोनों को साथ में करो 1, 2, 3, 4 अब ये हैंड है ऐसे जाएगा इसके साथ ऐसे यस ऐसे ऐसे टच होते हुए नीचे आएगा तो साथ में करेंगे पीछे वाला पैर भी जुड़ जाएगा ऐसे और फिर ये नीचे से पीछे गया अब यहां से 1 and 2 टू पे पैर देखो थोड़ा पीछे टू पे ऐसे पैर होना चाहिए ये देखो ये किक किया चेंज किया अब यहीं से जैसे स्विच करेंगे ये हाथ छोड़ देंगे और ये वाला हाथ घूम जाएगा ऐसे 1 ठीक है फिर से आओ पोजीशन पे 1 अब यहीं से 2, 3, 4, 5, 6 ओके यस। एक बार नॉन स्टॉप करते हैं बिना रुके लास्ट पोजीशन 5, 6, 7 गो स्लाइड ठक बूम ठक बूम ठक ठक back hey tak tak hey boom tak boom and change done okay guys जितना practice करोगे उतना clear होगा तो सीख लो समझ लो पर practice आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी okay तो practice जरूरी है practice करोगे जितना उतना finishing के साथ आएगा और उतना अच्छा मक्खन की तरह चलेगा okay तो एक बार गाने के साथ इतना part करके देखते हैं let's go छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए ओके गाइस यहां तक कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं तो लास्ट स्टेप हमारा आया था ये घूम के ऐसे अब यहां से क्या करना है जैसे हम घूम के सीधे हो जाते हैं तो आपकी पोजीशन ये आएगी मतलब कि हमने ये टर्न लिया टर्न लेते ही ये पोजीशन आएगी ठीक है जो बैठ के कर रहे हैं वो भी यही पोजीशन पे आएंगे जो खड़े खड़े कर रहे हैं वो भी यही पोजीशन पे आएंगे ठीक है। अब यहां से क्या करना है नीचे से आ जाएगा ये ऊपर जैसे ऊपर जाएगा जंप एंड टक नीचे राइट लेग को टैप करना है और दोनों एल्बो को हिट करना है टैप अब यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर से समझेंगे लास्ट पोजीशन पे आओ 1, 2, 3, 4 यहां पे आ गया अब यहीं से 5, 6, 7, 8 राइट पे टैप किया अब दोनों हैंड को ऐसे नीचे लेके आएंगे और जो पैर पीछे उठा हुआ है लेफ्ट वो ऐसे पीछे रख के आगे वाले को उठा के पीछे रख देंगे डायरेक्ट फिर यहीं से जो आगे पैर है वो स्लाइड हो जाएगा ऐसे ठीक है हैंड मूवमेंट के साथ करते हैं 5, 6, 7 को हिट चेन लॉक स्लाइड स्लाइड में ये हाथ यहां पे ऐसे आ जाएगा अब यहीं से स्टेप करना है 1 अब जाएगा हाथ एक हाथ गया अब जाएगा दूसरा पैर हाथ को साथ ऐसे घूमेगा फिर घूमने के बाद ऐसे जोड़ देंगे जैसे ही घूमा जोड़ दिया
ऐसे जुड़े जुड़े यहां तक आएगा, यहां तक जैसे आएगा ये पैर उठ जाएगा, ठीक है। फिर से करेंगे फाइव, लास्ट पोजिशन लो, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वन टू थ्री फोर फाइव, समझ रहे हो, बिल्कुल आराम से करते हैं। फाइव सिक्स पोजिशन, राइट ऊपर गया, जंप करा, राइट पैर पे जंप करा, फिर लेफ्ट टू राइट क्रॉस करा, स्लाइड करा, हिट करा, ऐसे राइट हैंड ऊपर है लेफ्ट नीचे, फिर राइट हैंड को ऐसे जाने दिया पैर के साथ, फिर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग ऐसे स्लाइड होके नेक पे घूमेंगे, फिर ऐसे जुड़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे एंड पैर उठा के पीछे इस तरीके से, ओके। थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं, लास्ट पोजिशन, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री फोर गो, ठक ठक बूम, ठक 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 बूम, ठीक है, इस तरीके से। यस, एक बार और मैच करो, फिर इसको गाने के साथ करेंगे। फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ओके। लो म्यूजिक के साथ एक बार करते हैं, लेट्स गो। छोड़ दी खुदाई, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने म्यूजिक के साथ कवर किया होगा। अब आगे का स्टेप सीखते हैं। लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे आया। अब यहाँ से आपको दोनों पैर खोलने हैं, ठीक है, और हाथ को ऐसे रखना है, फिर जब बैंड करोगे तो राइट लेग उठाएंगे, वन टू टू, हाँ, जब उठाएंगे तो ऐसे हाथ होगा, रखेंगे तो ऐसे हाथ होगा, ठीक है, वन टू। अब यहां से थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, यस, वन टू थ्री फोर, ओके। तो इस तरीके से स्टेप है, यहां से वाइब्रेट होता हुआ पैर जाएगा पीछे की तरफ सीधा, और पोजिशन यही रहेगी, ठीक है। एक बार और करेंगे, लास्ट पोजिशन आई, ये पीछे फेंका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वन टू थ्री फोर, ओके। एक बार और थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं, लास्ट पोजिशन, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वन टू थ्री फोर, ओके। अब डायरेक्शन वाइज एक बार लास्ट टाइम कर लो, राइट में खत्म हुआ स्टेप, वन लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट डाउन राइट क्लियर, राइट ऊपर ऐसे नेक पे घूमेगा और जैसे नीचे आएगा, नीचे जैसे मारोगे तब पैर उठ जाएगा राइट वाला, टक यस, और लेफ्ट वाला अंदर आ जाएगा, टक। अब ऐसे आगे से डर 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 डर, यस, ओके। आई होप समझ आ गया होगा। ये वाला पार्ट भी एक बार गाने के साथ करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट स्टेप हमने कवर किया था यहाँ पे, ये वाला स्टेप। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल पैर को जोड़ दो और हैंड को रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है। अब जो स्टेप है वो फुटवर्क के स्टेप है। क्या करना है, लेफ्ट लेग को ऐसे स्लाइड करना है साइड में, फिर राइट को करना है ऐसे, फिर लेफ्ट को ऐसे, फिर राइट को ऐसे, चार बार करना है। पूरा पैर नहीं खुलेगा, हाफ इतने पे ही करो, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसमें स्लाइड के साथ करते हैं, पैर के साथ। पैर में क्या करना है, जैसे ही पैर को उठाओगे दूसरे ऑपोजिट साइड आपको स्लाइड करना है, वन टू थ्री फोर, यस, एक बार साथ में करो, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री फोर। ध्यान रखें पूरा पैर नहीं खोलना, छोटे छोटे स्टेप लेने, यस, ठीक है, और बॉडी को हल्का सा डाउन करके ग्रुप्स के साथ, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, ठीक है, एंड देन जॉइन लेग दिस वन एंड गो राइट, वेव करके नेक से वेव करेंगे, ठक, लेफ्ट लेग उठ जाएगा। फिर से करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जॉइन
साइड। अब यहां से ऐसे उल्टा हाथ घुमाएंगे और पैर शिफ्ट हो जाएगा, वन एंड टू। फिर से समझो, लास्ट पोजिशन ये करी, अब यहां से ऐसे घुमाया, लॉक करा, इसको रख दिया, फिर बॉडी ली, फिर यहां से क्रॉस हैंड करके साइड चेंज करी, फिर दूसरा पैर आगे आ गया, वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे आएगा। एक बार और करो, लास्ट पोजिशन ले लो, डा 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 जॉइंट, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट। ओके, तो सिंपल है, जब हम ऐसे रोल करते हैं तो दूसरा पैर उठेगा, फिर जैसे ही पैर उठाते हैं बॉडी पीछे एंड उसके बाद आगे, समझ रहे हो, पहले पैर जाएगा फिर बॉडी आएगी। लास्ट पोजिशन लो एक बार, जो हमने ये किया था, ये उठाया ऐसे रोल करके, ठक 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 बॉडी, अब यहीं से क्रॉस करके चेंज एंड हिट करके चेंज एंड वन टू थ्री फोर, ठीक है, समझ रहे हो, पैर को देखो, किक प्लेस और हैंड क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव एंड सिक्स, हाँ थोड़ा सा स्टाइल और लुक रखें, फाइव एंड सिक्स, यस। दोबारा करेंगे लास्ट पोजिशन, डा 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 गो, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट, वन एंड टू थ्री एंड फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर। ओके, लास्ट टाइम करते हैं, फिर जाने के साथ करेंगे, पोजिशन पे आइए, फाइव सिक्स सेवन को जॉइंट, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट, वन एंड टू थ्री एंड फोर फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट, डन। ओके गाइस, एक बार इसको गाने के साथ करके देखते हैं, साथ में करो, तेरे लिए जो मुदीबा वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट स्टेप हमने कवर किया, ये वन एंड टू, ये पोजीशन आ गई, अब यहाँ से इसी पोजीशन में स्टेप करना है, राइट लेफ्ट राइट, अपने हील को उठा के शिफ्ट करना है, राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक चेस्ट लेग एंड हैंड, हैंड करते ही ऐसे टक करेंगे, टक, जैसे टक करोगे कमर ऐसे घूम जाएगी, टक, ठीक है। आफ्टर दिस ऐसे हैंड घुमाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स टाइम है, सिक्स टाइम में क्या है, दो बार फास्ट है, दो बार स्लो है और फिर दो बार फास्ट है, लाइक दिस, फास्ट फास्ट स्लो स्लो फास्ट फास्ट, ऐसे, यस, ठीक है। और पैर को देखो ऐसे बैंड करो इनसाइड, ठक 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 ठक, ऐसे आएगा, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे आओ, दोबारा करते हैं, राइट लेफ्ट राइट, नेक चेस्ट लेग, ओपन हैंड टक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आया समझ, yes. एक बार और करते हैं स्लो, फिर गाने के साथ चेक करेंगे, फाइव सिक्स सेवन को राइट लेफ्ट राइट, नेक चेस्ट लेग, हैंड टक कमर, फास्ट फास्ट स्लो स्लो फास्ट फास्ट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं फिर गाने पे करेंगे, फाइव सिक्स सेवन को, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, yes. ये स्टेप सिंपल है, बस ये स्टेप करना है, हैंड को उल्टा घुमाना है, जो पिछले स्टेप में घुमाया था सेम वैसे ही, और पैर को ऐसे टैप करना है, ये तो आपको आते ही होगा, हिप हॉप का स्टेप है, ठाक ठाक, साइड से दिखा रहा हूं बट करना आगे है, यस। ओके, चलिए गाने के साथ इतना करते हैं, लेट्स गो, तेरे लिए होना कर
गाइस, मजा आ रहा ना करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें लास्ट तो हमने ही कवर कर लिया, अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे स्लाइड करना है, हाथ खुलेंगे, 1 2 फिर ऐसे 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 सिंपल है। देखो लास्ट हमने ये कंप्लीट किया, अब यहां से स्लाइड, अब राइट हैंड नेक पे ऐसे घूमेगा और लेफ्ट लेग रखना है यहाँ पे, राइट लेग उठ जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पीछे 2 बार ठक ठक, फिर पीछे आएंगे, आगे वाला पैर पीछे आएगा, फिर यहीं से 1 ऐसे उठा के मारना है, 1 जैसी मारोगे ये आपका पंजा बाहर हो जाएगा, 1 फिर यहीं से जंप करके आउट, हील आउट करना है, 1 2 फिर दोनों हैंड यहाँ पे, राइट लेफ्ट राइट, फ्लोर पे नहीं रखना पैर, हवा में ही रहेगा, 1 2 3 3 पे आगे रखना है, फिर से राइट लेफ्ट राइट, थोड़ा सा बॉडी फ्लो चलाओ और पैर को हवा में यूज करो, 5 6 7 को राइट लेफ्ट राइट, एक बार और 5 6 7 को राइट लेफ्ट राइट, ओके चलिए लास्ट टाइम करते हैं, फिर उसके बाद आगे सीखेंगे, और एक बार और करो, 5 6 लास्ट पोजिशन, 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ये घूमने वाले स्टेप एक बार और अच्छे से समझ लो क्या है, जब हमने ये किया स्लाइड, अब हमें क्या करना है, ये पैर रख के राइट लेग उठाना है, राइट जैसे उठाएंगे लेफ्ट हैंड ऊपर मारेंगे, फिर राइट ऊपर मारेंगे, फिर वही पैर पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो, हवा में ये पैर स्लाइड घुमाया, लेफ्ट ऊपर राइट ऊपर ठक ठक, फिर से करो, लेफ्ट लेग स्लाइड, राइट हैंड नेक पे घुमाया, लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड ऊपर पीछे, जब तक ये स्टेप नहीं हो जाएगा टर्न कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, स्लाइड ठक ठक ठक, बूम बूम ठक बूम ठक, पंजा लेना है ठक, यहीं से फिर 1 2 3 4 5 ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार इसको हम करते हैं गाने के साथ, तेरे लिए आज दीवाना ओ बाबा है मेरा मैं, ओके गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट ब्लॉक है, अच्छे से कवर कर लो, पूरा आपने सीख लिया है, बस लास्ट छोटा सा रह गया है, ये और सीख लो मजा आ जाएगा, ओके तो लास्ट स्टेप हमारा ये कंप्लीट हुआ था, 1 2 3 अब यहाँ से क्या करना है, हैंड को ऐसे घुमाना है लाइक दिस, ये देखो लेफ्ट को ऊपर रखो राइट को नीचे, ऐसे घुमा के पकड़ना है, ठीक है 1 2 अब यहां से क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ऐसे बैठेंगे, ठीक है फिर से करो 1 2 3 4 5 6 अब यहां से 7 8 1 2 फिर इधर देखेंगे सामने देखेंगे, फिर ऐसे लॉक करेंगे राइट लेग बाहर निकाल के, फिर ऐसे लॉक करेंगे लेफ्ट लेग बाहर निकाल के, इसके बाद ये वाला स्टेप है, ओके ये हमने जो स्टार्टिंग में किया था वही है, 1 2 3 4 अब यहां से 5 6 7 8 ठीक है फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आगे पैर है वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, बॉडी की डायरेक्शन राइट साइड में आ जाएगी, ठक ठक ठररररा, ओके यहाँ पे फिर स्टाइल देना है, यहाँ पे म्यूजिक आता है सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, तो यहाँ पे स्टाइल देना है आपको, फ्री स्टाइल आपको जैसा ठीक लगे, तो मैं हिमांशु दुलानी का कनेक्शन बता रहा हूँ उसके तरह भी कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग भी, यहाँ पे पोजिशन आने के बाद सोई ना मैं सारी रात ऐसे देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर स्टाइल देख के हल्का सा आगे आना है ऐसे करके, ठीक है तो लिरिक्स के अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करते हैं, सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, फिर यहाँ पे कोनी मारनी है ऐसे, अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, फिर यहाँ पे ऐसे यू करके निकल जाओ, बस
खत्म। डिट्टो उसी की तरह समझा दिया है, बस प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अभी एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। यहां से ये हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 and 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, tuck tuck and look, finish, done. ओके गाइस, आई होप आपने सीख लिया होगा, एंजॉय किया होगा, और अब हम करते हैं इसको गाने के साथ, लेट्स गो। यस, वादा है मेरा मैं तेरे लिए, आपके लिए कोरियोग्राफी डेफिनेटली हम बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।